हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री के अंतर्गत विषय गणित लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए और किस सत्र के लिए, सत्र 2022-23। इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। चलिए देखते हैं विषय गणित कक्षा 8वीं सत्र 2022-23 के लिए इसकी वर्कशीट 27 देखेंगे। वर्कशीट 27 में क्या दिया, लाभ हानि की गणना करना। लाभ हानि की गणना कैसे करना है हमें यहाँ पे समझाया गया। देखें और समझें, मैंने इसे 600 रुपये में ख़रीदा। किसे? मैंने इस बेंच को या टेबल को कितने में ख़रीदा? 600 रुपये में ख़रीदा। तो जिसे मैंने ख़रीदा उसे मैं क्या कहूँगा? क्रय मूल्य। और उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? CP। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे? CP। यानी जिस वस्तु को ख़रीदा जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। और इस और मैं इसे 620 रुपये में बेचूँगा। कितने में बेच दिया इसे? 620 रुपये में बेचा। तो ये 620 रुपये क्या कहलाएगा? इसका विक्रय मूल्य, जिसे SP कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? स्पेंट प्राइस। तो ये SP हो गया। तो दुकानदार ने वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक दाम पर उसका विक्रय कर रहा है, इसलिए उसे क्या हुआ? लाभ। देखिए, उसने ख़रीदा कितने रुपये में था? 600 रुपये में था। और उसे बेचा कितने में? 620 रुपये में। यानी 20 रुपये अधिक में बेचा। और ये जो 20 रुपये अधिक में बेचा, यह उसे क्या हुआ? लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ। तो आप समझ गए, जिस वस्तु को ख़रीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, जिस वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है। यदि विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य कम है तो क्या होता है? लाभ। और यदि क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है तो हमें क्या होती है? हानि। तो देखिए, हमें यहाँ क्या हुआ? लाभ। तो लाभ ज्ञात करना है तो आपको विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा, तो आपको क्या मालूम हो जाएगा? लाभ। यदि आपको हानि होती है, यदि आपको हानि होती है तो क्या करना पड़ेगा? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ हानि क्या है उसके बारे में बताया। आपको समझ आ गया होगा कि क्रय मूल्य क्या है। जिस वस्तु को हम खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस वस्तु को हम बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। यदि हमें हमने विक्रय मूल्य हमारे पास अधिक है और क्रय मूल्य कम है तो हमें लाभ होता है, और क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है तो हमें क्या होती है? हानि होती है। चलिए देखते हैं, प्रयास कीजिए। इसका प्रश्न नंबर 1, एक खिलौना 72 रुपये में खरीदा तथा 80 रुपये में बेचा गया, तो लाभ या हानि? सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि उसे लाभ हुआ कि हानि। तो यहाँ पर क्या दिया है? 72 रुपये में ख़रीदा और कितने में बेचा? 80 रुपये में। तो 80 रुपये में बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य क्या है? कम है। तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा? 8 रुपये का। कैसे? हम सूत्र लगा देंगे, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 80 ऋण 72। 80 में से 72 घटाया तो कितना है? 8 रुपये आता है। 8 रुपये लाभ होगा। 8 लाभ कितना हुआ? 8 रुपये का होगा। इसी प्रकार एक टी शर्ट 120 रुपये में खरीद कर 100 रुपये में बेची गई। एक टी शर्ट हमने कितने में खरीदे? 120 रुपये में, और 100 रुपये में बेचा, तो लाभ या हानि? तो सबसे पहले देखिए, हमारा क्रय मूल्य क्या है? 120 रुपये, और विक्रय मूल्य क्या है? 100 रुपये। तो हमें क्या होगी? हानि होगी, क्योंकि हमने खरीदे अधिक में हैं और बेचे कम में। तो हानि का सूत्र लगा देंगे, हानि बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 120, और विक्रय मूल्य कितना है? 100। 120 में से 100 घटाया तो कितना आया? 20 रुपये। यानी हमें कितने रुपए की हानि हुई? 20 रुपये की हानि हुई। तो इस प्रकार से लाभ हानि के सवालों को हम हल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या बताया है? देखिए, प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है? एक साइकिल ₹1000 में खरीद कर ₹1150 में बेची गई, लाभ या हानि? तो आपको सबसे पहले चेक करना है, जो वस्तु खरीदी गई उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। और जिस वस्तु को बेचे वह क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे क्रय मूल्य ₹1000 है और विक्रय मूल्य ₹1150 है। तो हमें यहाँ लाभ हो रहा है या हानि? हमें लाभ हो रहा है। तो हम लाभ बराबर क्या लिखेंगे? लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हमारा? 1150। 1150 ऋण 1000। तो आप 1150 में से 1000 को घटा दीजिए। आप जब घटाएंगे तो आपको लाभ कितना मिल जाएगा? ₹150। अतः लाभ कितना हुआ? ₹150 होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? प्रश्न ध्यान दीजिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 615 है
और उसका विक्रय मूल्य 540 है, तो लाभ या हानि, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है, अधिक है और विक्रय मूल्य कम है, तो हमें हानि होगी। तो क्या करेंगे हम, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को हटा देंगे। हमारा क्रय मूल्य कितना है, 615, और विक्रय मूल्य 540, इससे घटाया तो हानि कितने की हुई, आप 615 में से 540 को घटा सकते हैं। किस प्रकार से घटा सकते हैं, एक के नीचे किस प्रकार से लिख के देख लीजिए, किसको घटाना है हमें, 540 को, देखते हैं। चलिए, 5 में 0 घटाया तो 5 आया, यहाँ बचा 1, 1 में 4 नहीं घटेगा, उधार लेगा, 11 में 4 गए 7, कितना आ गया, 75, यानी कितने रुपए की हानि हुई हमें, 75 रुपये की, तो लिख दी हानि बराबर 75 रुपये। तो इस प्रकार से ये लाभ हानि संबंधित कितने प्रश्न थे, 4 प्रश्न, चारों प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट कंप्लीट होते हैं, और इसके साथ आपकी वर्कशीट कौन सी, 27 कंप्लीट होती है। आपको इसी प्रकार के प्रश्न और देखना है तो आप गणित पाठ पुस्तक कक्षा 7 के पार्ट 8 में देख सकते हैं। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है कि जो वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और जो वस्तु को बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। यदि विक्रय मूल्य बड़ा है और क्रय मूल्य छोटा है तो हमें क्या होगा, लाभ। यदि क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य छोटा है तो हमें क्या होगी, हानि। तो इस प्रकार से ये लाभ हानि संबंधित जो गणना वाले प्रश्न थे आपको यहाँ हमने समझाया। ये प्रश्न यदि आपको समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हम अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।